आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे हाजी जी से कि वो यहाँ पर अपने जानवरों को फीडिंग में क्या करा रहे हैं, क्या चीज़ खिला रहे हैं और क्या कंसल्टेंट फीड दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हाजी अयूब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। आप नमस्कार। नमस्कार। आप जो है मलिक गोट फार्म के केयर टेकर हैं, यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। ठीक है जी। तो आपने जो यहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ का शेड्यूल है, जो यहाँ का तौर तरीका है, हाँ जी, वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं सुबह से लेके रात तक का? वो क्या क्या आप इन्हें खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या कंसल्टेड फीड में क्या देते हैं? त्यागी जी, ऐसा है, सुबह के टाइम में हम इनको सबसे पहले जो है पानी पे छोड़ते हैं जी। उसके बाद में हम उनको पत्ता खिलाते हैं। अच्छा। और पत्ता वत्ता खिलाने के बाद थोड़ा इनको जो है राउंड पे घुमा देते हैं जी। उसके बाद दोपहर में जो है हम लौंग पत्ती वगैरह देते हैं जी। और शाम को चना, जौ और तुम्हारा जो है थोड़ी मक्का वगैरह दे देते हैं। अच्छा, वो जो कंसल्टेड फीड है वो प्रॉपर वो जो है शाम के टाइम मिक्स करके दे देते हैं। हाँ। तो आपने जैसे कि ये सारी चीजें बताई, तो क्या ये सब चीजें आपने कहाँ से सीखी? ये असल में हमारे माँ बाप बचपन में बकरियां पालते थे जी, वहाँ से हम देखते आ रहे हैं बचपन से। तो ये सारी चीजें दिमाग में वहाँ से आके चली गई। बहुत सी चीजें ऐसी हैं फार्म वालों को नहीं पता होता। हम जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है, हम अपने देसी नुस्खे बना के भी दे देते हैं बकरियों को, ताकि उनको जो है रुआ ना पड़े, कुछ दिक्कत ना आवे। अच्छा, जैसे आपने देसी नुस्खे की बात की, हाँ, तो एकाद अपना जो नुस्खा है, हाँ, वो व्यूअर्स को शेयर करें, जिससे कि आदमी अगर किसी प्रॉब्लम में आ गया है तो वो थोड़ा उससे लाभ उठा सके। जैसे कि मान लिया नजला या खांसी कुछ ऐसे, जैसे नजला है खांसी है, इसके लिए तो बहुत सारी आइटम मिला के देनी पड़ती है। जैसे गुड़ होया जी, तुम्हारी लौंग हो गई, तुम्हारी दखनी मिर्च हो गई, इस तरीके से 10-12 आइटम मिला के उसको देना पड़ता है, गुड़ में मिला के। अच्छा, तो उससे सर्दी वर्दी सब बच जाती है। अच्छा, वो मतलब जो है सारी चीजें मतलब देने से, वो जो नजला या खांसी सर्दी वगैरह, हम दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। एकाद और किसी चीज का कोई फार्मूला अगर हो तो आप उसे शेयर करें? फार्मूले तो बहुत सारे हैं जी, जैसे कि आप बकरे हैं, किसी वजह से गैस हो रही है तो उनको सोडा चटा दे जी। अच्छा अच्छा। हाँ, खाने वाला सोडा है, ये भी बहुत फायदे का होता है जी। तेल दे दो, उसमें लहसुन पका के तेल में उसको अगर दो बकरों को रात को, तो सर्दी से बहुत फायदा होता है उन्हें। इस तरीके से बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम देते रहते हैं बकरियों को, तो उससे हमें लॉस नहीं आता है। अच्छा, अब जैसे कि आप यहाँ पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं, हाँ, तो जैसे बधियाकरण है, जो बधिया बच्चे जो है खस्सी किए जाते हैं, हाँ, वो हम तो वो आप डॉक्टरों से कराते हैं या नहीं? कैसे? हम तो अपने हाथ से कर लेते हैं जी। अच्छा, आपको इतना तजर्बा है कि आप अपने सारे के सारे बच्चों को हम अपने हाथ से ही खस्सी कर लेते हैं? अच्छा अच्छा, डॉक्टर से कराने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसा कि हाजी जी मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ मुर्गियाँ भी घूम रही हैं, ये मुर्गियाँ पालने का जो ये है इसके गोट फार्मिंग के साथ, ये क्या शेड्यूल है, ये आपने किस किस लिए पाली? ये मुर्गी इसलिए पाली है, जैसे हमारे बकरे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं, महंगे बकरे हैं जी। जैसे हमारा ये फार्म हाउस है, ये फार्म जो है ये जंगल का फार्म है, तो इसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जमीन में कीड़े होते हैं जी। तो ये बकरों से पहले जो मुर्गी चुगती हैं यहाँ, तो ये छोटे मोटे कीड़े खा लेती है, उससे जो है बकरों को जो है बीमारी नहीं लग पाती है जी, इससे ये बेनिफिट होता है। अच्छा, जो बीमारी के कीटाणु हैं वो सब से ये अपना, हाँ, चुग लेती है, खा लेती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब खा जाती हैं, और उसके उसके बदले में देती हैं बहुत अंडे। अंडे, हाँ, ये तो भी फायदा होता है, ये भी फायदा है। हाँ हाजी जी, जैसे का आपने ये डॉक्टरों वाली बात की, हाँ, तो डॉक्टरों की बात ये है कि मतलब इस गोट फार्मिंग में समस्या क्या क्या आती हैं, बीमारियां कौन सी आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है? पहले तो कई प्रॉब्लम आई थी, मगर अभी तो अल्लाह का शुक्र है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। नहीं, हमारे में नहीं है, लेकिन जो हमारे आगे वीडियो को देखने वाले किसान हैं उन्हें आप बताएंगे कि क्या क्या समस्या आ सकती हैं? समस्या ये आ सकती है जी, अगर किसी वजह से अनजान व्यक्ति कोई कहीं से भी मेले में से या बाजार में से बकरे ले लेता है या बकरियाँ ले लेता है, और वो अगर PPR या वैक्सीन नहीं कराता है, तो उसे दिक्कत आ सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ,
तो अब जैसा कि आपने हमने जैसे अब यहाँ रहे, हमने अपना ये फार्म कर रखा, हम किसी भी व्यापारी को अगर कोई भी माल देते तो बिल्कुल पूरा रेडी तैयार करके PPR वैक्सीन लगा के 21 दिन से पहले हम किसी को भी माल को सेल नहीं करते, ताकि सामने वाला ले जाने वाला खुश रहे। अच्छा हाँ, तो क्योंकि हमारे पे बहुत सारी समस्या पहले आ चुकी हैं, उन समस्याओं को हम किसी और को देना नहीं चाहते। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन पूरा करा के देते हैं, हाँ। क्या आपने कोई डॉक्टरों की या वो उनकी टीम रखी हुई है? हाँ, अपने फार्म में? हमने टीम रखी हुई है, दो डॉक्टर है हमारे पास, एक सचिन है जी और एक याकूब मलिक है। अच्छा, वो हमारे पास 24 घंटे रेडी रहते हैं, सब कुछ ओके करा के देते हैं। त्यागी जी, जैसे हम ये जौ देते हैं बकरों को। अच्छा, ये जौ? हाँ, ये चने की चूरी वगैरह मिला के देते हैं। अच्छा, ये चने की चूरी क्या? ये तो एक बात तो देखो, चूरी हाँ, क्या ये तो पूरा खंदा है। हाँ, खंदा है ये, फर्स्ट क्लास वाला। ये अनाज भी देते हैं। अच्छा, ये गेहूं है? गेहूं भी देते हैं। ये भी मिक्स करते हो इसमें? हाँ, ये मक्का भी देते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लिया मक्का की बात आई, हाँ, मक्का तो मक्का से क्या फायदा होता है इसमें? मक्का से बकरे का मांस बढ़ता है बढ़िया करके। अच्छा, मतलब फैट पैदा करता है? हाँ, फैट ज्यादा पैदा करता है जी जी। और दूसरा, बीच में ये समझ लो जैसे कि एक किस्म का बकरों को पिस्ता बादाम खिला दिया हो। ये क्या चीज है? शानदार है, ये लौंग पत्ती होती है, राजस्थान से पैदा आती है। अच्छा, ये राजस्थान से मंगाई जाती है? ठंड के टाइम में जो है, अब जैसे अब ठंड चल रही तो हम थोड़ा इसमें बाजरा भी मिला के देते हैं। अच्छा, वो बाजरा भी देते हैं? हाँ। तो ये सब जो कंसल्टेंट फीड है, हाँ, ये सब की इनकी मिक्सिंग करके आप जो है जानवरों को देते हैं? हाँ, जानवरों को देते हैं मिक्सिंग करके सारी जी, एकदम फर्स्ट क्लास जानवर फिट रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सचिन कुमार, आप जो है मलिक गोट फार्म पे एज ए डॉक्टर यहाँ पे हैं जी जी जी, तो आप जैसे यहाँ के सभी जानवरों की देखरेख कर रहे हैं जी, उनमें क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आती हैं और उन प्रॉब्लम का आप निदान कैसे कैसे करते हैं? अधिकतर त्यागी जी, मैं बताऊँ कि डायग्नोसिस जो होती है बीमारी की जी, वो उसमें बकरी बकरों में होता है कि वैक्सीनेशन ना लगने के बावजूद जी बीमारी आ जाती है जी। अगर वैक्सीन लगा दी जाए तो बीमारी नहीं आती, कुछ माइनर पॉइंट होते हैं कि वैक्सीन होने के बावजूद भी बीमारी उपलब्ध हो जाती है जानवर में जी, तो उसके लिए थोड़े बहुत छोटे मोटे इंजेक्शन है वो लगा दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जी के, ये लगा दी जाए तो उससे बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन बकरी फार्म में वैक्सीन लगाना बहुत कंपलसरी है। अच्छा, जरूरी है। जैसा कि एक फार्म का एनवायरनमेंट जी, एक तो मॉडल फार्म है जी, दूसरा एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट का फार्म है जी, उसमें ज्यादा फायदा है या मॉडर्न में ज्यादा फायदा है? मतलब प्रकृति के साथ खेल रही है बकरियाँ? दोनों इक्वल है। अच्छा अच्छा, दोनों इक्वल है। अगर एक नेचुरल तरीके से हम ग्रेजिंग करा के फार्मिंग करेंगे तो वो भी बेहतर है, अगर एक मॉडर्न तरीके से फार्म बना के हम फार्मिंग करेंगे वो भी बेहतर है। लेकिन उसमें ये होगा कि आपको वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, रख रखाव पालन पोषण ठीक तरीके से करना पड़ेगा बारीकी से। अब जैसे कि आपने जो फार्म है अपना जी, वो दोनों ही बेस पे है जी भाई, मॉडर्न स्टाइल भी है और जो है आपका पुरानी तरीके से भी प्रकृति के तरीके से ग्रेसिंग वाला भी है कि आप चरा भी सकते हैं, घुमाने की जगह आपके यहाँ, तो इसमें आप क्या ग्रोथ का सिस्टम क्या मानते हैं? अच्छी ग्रोथ होगी? जी बिल्कुल अच्छी ग्रोथ होगी। तो याकूब मलिक जी, आप दोनों जैसे फार्म देख रहे हैं तो आपका क्या रोल है फार्म में और आप क्या देखते हैं, कौन सा जो मैनेजमेंट है, किस चीज़ को संभालते हैं आप? जी देखो, यहाँ जो रहना सहना वो सारा रात दिन का वो मेरा ही है जी, और ये डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहते हैं जी। कोई भी बाहर से पार्टी वगैरह आती है, उनका खाना पीना रहन सहन वो सब देख देख हाँ, जो भी कोई हमारे बाहर का मेहमान आता है तो उसकी पूरी जो है देखभाल और वो है उसके रहन सहन का इंतजाम आप करते हैं? कोई भी पार्टी माल वगैरह लेके जाती है, मैं बहुत फार्मों पे गया हूँ जी, लेकिन मैंने किसी भी फार्म पे ऐसी सहूलियत नहीं देखी जो मैंने खुद बनाई है जी जी, अपनी टेक्निक से। किसी भी फार्मिंग को माल दो या किसी भी किसान भाई को माल दो तो उसको PPR वगैरह वैक्सीन वगैरह कंप्लीट करा के जी, उसके सामने सब तैयारी करवा के तभी हम माल लोड कराते। तो हाजी जी, आप अब जो है जो नए किसान इस खेल में आने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस काम के अंदर बरकत बहुत है, हमारे नबी करते हुए आए, हमने बचपन से देखा है, माँ बाप भी बहुत करते हुए आए जी, काम बहुत बढ़िया है, करने वाला होना चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए जी। और आप कहीं से भी माल खरीद सकते हो, लेकिन माल फुल तैयारी से ले हो, फुल तैयारी से मतलब वगैरह पूरी होने के बाद ही अपने फॉर्म पे माल लेके आओ, लेने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा देश है हमारा, कहीं से भी ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाजी जी, आपने किसान भाइयों को ये जानकारी दी, इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आपने हाजी जी से जानकारी ली और डॉक्टर सचिन से जानकारी ली,
कि हम बकरियों का रखरखाव कैसे करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।